गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर जो है वो आप अपनी वर्कशॉप में जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये जो स्विफ्ट डिज़ायर का हेड पड़ा हुआ है, इसके वाल्व हमने खोले हुए हैं प्रैक्टिकल करवाने के लिए। अगर हम इसके बीच में वाल्व की लॉक को फंसाना है, जिनको हम कार्टर्स भी कहते हैं, इनको अगर फंसाना है तो बहुत ताकत जो है हमें जो है वो यहाँ पर लगानी पड़ती है और टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट होता है। अगर हम चाहें इसको अंगूठे से दबाना तो भी जो है ये ठीक ढंग से जो है वो नहीं दब पाता है, क्योंकि यहाँ पर जगह जो है वो बहुत कम होती है। तो इसके लिए इस तरह का जुगाड़ भी हमने यहाँ पर बनाया है इसको दबाने के लिए, लेकिन फिर भी इसमें भी जो है वो जो आपकी फोर्स है वो ठीक ढंग से नहीं लग पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वाल्व की लॉक को फंसाने के लिए जो है अपनी वर्कशॉप में जो है किस तरह से एक वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर जो है वो बना सकते हैं। एक वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर इस तरह टाइप का भी आता है, लेकिन इसका भी अगर आप यूज़ करेंगे यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि ये ठीक ढंग से इतनी जगह नहीं है इसमें कि ये जो है वो यहाँ पर ऑपरेट हो जाए। जबकि ये एक बड़ी गाड़ी जो होती है आपकी टाटा की 709 उसके लिए होता है, लेकिन उसमें भी ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, उसमें वर्किंग जो है वो नहीं हो पाती है ठीक ढंग से जैसे हमने करनी हो। तो इसके लिए जो है आप हम एक जुगाड़ जो है हम वर्कशॉप में जो है अपने आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है इसको जो है अपनी वर्कशॉप में ही बिल्कुल कम पैसों में और हमारे, तो इसके लिए हम वर्कशॉप में जो हमारे पास वेस्ट पाइपें रहती हैं और कुछ नट बोल्ट रहते हैं, उनसे जो है हम इस टूल को जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। तो आगे वीडियो में हम देखते हैं कि इसको जो है वो किस तरह से आप जो है वो बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको एक ऐसी पाइप की ज़रूरत होगी जिसका साइज़ जो है इस रिटेनर से थोड़ा सा छोटा हो। तो ये पाइप हमने 1 इंच की पाइप हमने ले ली है और इसके बीच में हमने यहाँ पर जो चौक का निशान लगाया है उतना उतना हम इस पीस को जो है वो काट लेंगे यहाँ से भी और इस साइड से भी, ताकि हमें ये जो क्वार्टर हैं हम इसके बीच में फंसाते हैं इनको फंसाने के लिए जो है वो जगह बन जाए। अभी इसके बाद जो है हम इसको काटेंगे। बना लिया है, अभी हम इसको फाइल से फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम एक वाशर रख लेंगे यहाँ पे, और वाशर के ऊपर जो है एक नट को बेल्ट करेंगे और फिर हमें जो हमारा 709 का इंजन है उसके लिए वाल्व को दबाने के लिए भी ये टूल जो है हमारे पास बन जाएगा। तो अभी हम इसको फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए आपको एक स्क्वायर पाइप लेनी पड़ेगी। हमने इससे पतली स्क्वायर पाइप ली है और वो हार्ड है थोड़ी,
लेकिन ये पाइप को हमने जो है वो 45 डिग्री के ऊपर जो है वो काटना है। अगर आपके पास बड़े बड़ा कटर है तो उसमें ऑलरेडी एंगल बना होता है अलग अलग डिग्री में काटने के लिए, लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है, वो बड़े वाला कटर नहीं है जिसके ऊपर एंगल बने हुए होते हैं काटने के लिए, तो आप इसको 45 डिग्री के एंगल के ऊपर कैसे काटेंगे? उसके लिए आपको सेम पाइप की साइज़ का एक छोटा सा पीस चाहिए होता है, और उसको जहाँ से आपने काटना है उसके ऊपर जो है वो आपने इस तरह से दोनों साइडों से जो है वो निशान लगा लेना है। इस साइड से भी निशान लगा लेना है और दूसरी साइड से भी जो है उसको निशान लगा लेना आपने। अब ये जो निशान लगा है आप पास से देख सकते हैं इसको, ये जो निशान लगा है इसको आपने जो है वो इस तरह से इस लाइन को और इस लाइन को जो है मिलाना है, और फिर जो है आपने इसको कटिंग करनी है इसकी। इस तरह से जब हम इस पाइप को काटेंगे तो हमारा 45 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री के से जो है हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। जैसे इसको हम काट के देखेंगे ये कैसे 90 डिग्री का जो है वो बनता है। अभी हमने इस पाइप को जो है वह 45 डिग्री के ऊपर काट लिया है। 45 डिग्री के दो पाइप काटने के बाद जब आप इस तरह से रखेंगे तो ये 90 डिग्री का जो है वो बन जाएगा, और यहाँ पर जो है आपने वेल्डिंग करवा लेनी है। अब हम इसको वेल्ड करवाएंगे, तो वेल्ड करवाने के लिए हमने इसके बीच में एक बोल्ट जो है वो डाल लिया है इस वाशर के बीच में। अगर हम इसको वैसे करवाते हैं वेल्ड बिना बोल्ट रखे तो आपकी वाशर जो है और बोल्ट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, फिर आपको बाद में जब हम बोल्ट डालेंगे तो ये टेढ़ी हो सकती है वाशर, तो इसलिए हमने इसके बीच में एक बोल्ट डाल लिया और उसको नीचे से भी टाइट कर लिया और वाशर यहाँ पर भी लगा ली है। लेकिन वाशर जो हमने वेल्ड करनी है वो एक ही साइड की करनी है, और उसी के साथ में ये बोल्ट भी जो है हमने वेल्ड कर देना है। तो इसके लिए हम आ गए हैं वेल्डिंग वाले ट्रेड में, वहाँ पर वेल्डिंग करवाएंगे। तो अभी हमारे पास ये जुगाड़ जो है वो बन के तैयार हो गया है, जिसको हम वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर कहते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये पाइपें जो हैं वो लगाई हुई हैं, ये पाइप जो है वो सॉलिड है, और यहाँ पे हमने इसके एक कोने के ऊपर हमने नट वेल्ड किया हुआ है, और इसके बीच में हमने ये बोल्ट जो है वो लगा दिया है, और इस बोल्ट के ऊपर हमने एक वाशर को जो है वो लगा दिया है ताकि वाल्व का जो हेड रहता है उसको जो है बैठने के लिए जो है वो अच्छी जगह जो है वो मिल जाए। और इस पाइप को जो है हमने सी टाइप में जो है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पाइप को कैसे काटते हैं ये भी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है, और
उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होगा ये बड़ा नट, सॉरी बोल्ट, ये बड़ा बोल्ट जो है इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जो लगभग आपका इतना लंबा हो, और उसी साइज़ के आपके बोल्ट जो है, एक बोल्ट हमने नीचे वाले कोने में बेल्ट कर दिया है और दूसरा बोल्ट जो है हमने नट जो है इस कोने में जो है वो बेल्ट कर दिया है, और एक नट जो है वो इस पाइप के साथ बेल्ट कर दिया है। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे, और हैंडल को कम फोर्स देने के लिए हमने यहाँ पर इसको टी टाइप का जो है वो बना लिया है। तो अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि ये सही में काम कर रहा है या नहीं। तो हमने अभी आपको एक दो वाल्व के स्प्रिंग जो है वो हम इसको लॉक फंसा कर जो है वो बताएंगे। तो अभी हमने इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंग और लॉक जो है वो डाल दिए हैं, और नीचे से जो है हमने चेक करना है इसको कि वाल्व का हेड जो है वो, नीचे से आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला सिरा है इसको आपने वाल्व के हेड के ऊपर रखना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको टाइट करना है। इस तरह से जो है आप इसको दबाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको घुमाएंगे आपका स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल कम फोर्स में जो है वो प्रेस होता जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ पतली तार वगैरह जो है वो इस क्वार्टर को जो है या लॉक को बिठाने के लिए जो है वो चाहिए होती हैं, या आप थोड़ा सा ग्रीस भी जो है इसके बीच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप जो है वो उसको बड़े ढंग से जो है वो बिठा सकते हैं। जब ये क्वार्टर्स जो है वो अपने लॉक में बैठ जाए उसके बाद जो है आपने धीरे धीरे इसको जो है वो ढीला करना है। जैसे जैसे आप ढीला करेंगे ये वाल्व स्प्रिंग का लॉक जो है वो अपनी जगह पे जो है वो सेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वाल्व का क्वार्टर जो है वो अपनी जगह पर, या लॉक जो है वो अपनी ग्रूव में जो है वो अच्छी तरह से लॉक हो गए हैं। लॉक करने के बाद जो है हमने इसको जो है हैमर की चोट लगा के जो है वो चेक करना होता है, बिल्कुल हल्की चोट जो है इसके ऊपर मारते हैं, ताकि अगर ये अपनी जगह पर नहीं बैठा है तो ये क्वार्टर जो है वो अपनी जगह पर जो है वो बैठ जाएंगे, या फिर अगर नहीं बैठे हुए हैं तो ये निकल भी जाएंगे, क्योंकि अगर ये चलते हुए अगर इंजन में खुलते हैं तो ये पिस्टन वाल्व तो डैमेज आपका होगा ही होगा, लेकिन पिस्टन को भी और लाइनर को भी जो है वो डैमेज कर देगा। तो आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह से चोट लगा के जो है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी वाले वाल्व के लॉक जो हैं वो आप बिठा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि इसमें ये हमारा जो हमने टूल बनाया है ये पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। इसके अलावा जो हमारे पास टाटा 407 का जो इंजन है उसमें भी हम इसको यूज़ करके आपको बताएंगे इसको जो है वो किस तरह से हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाटा 407 का हेड है वो भी हमने खोला हुआ है, तो उसमें भी आपको हम बता दें कि उसको जो है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टाटा 407 का जो इंजन है उसमें इस टूल को जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे हम। इसके लिए आपको ये जो स्विफ्ट डिज़ायर का ये आगे वाला पार्ट हमने बनाया है, इसी एक टूल में जो है हम दूसरे वाला टूल जो है वो ये आगे वाला जुगाड़ एक चेंज करेंगे सिर्फ, और इसी वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर को जो है हम टाटा 407 के इंजन में भी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इससे मोटी साइज़ का पाइप का पीस हमने जो है वो उसके लिए बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला पीस मैंने जैसे आपको बनाती बार भी बताया है, इसको जो है हम इसको खोल देंगे और इसको जो है हम फिट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ये जो चेक नट लगा हुआ है इसको चेक नट कर देंगे।
अभी जो है हम इसको यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। इसके लिए हमने वाल्व जो है इसके बीच में फिट कर दिया है और उसके बाद हमने वाल्व रिटेनर को ऊपर रख लिया है और काटर भी हमने जो है इसके बीच में आप देख सकते हैं हमने बिठा दिए हैं इसके बीच में। और यूज़ करने का वही तरीका है जैसे हमने पहले वाला किया है। ये जो आपको वाल्व का हेड दिख रहा है वहाँ पर आपने इसके नीचे वाला जो हिस्सा जो हमने वाल्व को हेड को बिठाने के लिए बनाया है वो जो है आपके वाल्व के हेड के ऊपर होना चाहिए। और जैसे ही वो वाल्व के हेड के ऊपर बैठ जाता है उसके बाद आपने जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घुमाना है और स्प्रिंग को जो है कंप्रेस करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े आराम से बिल्कुल हल्की फोर्स से जो है ये वाल्व स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रहा है। और जैसे ही ये वाल्व स्प्रिंग जो है वो लॉक जो आपका ग्रूव रहता है वाल्व की स्टेम में उससे नीचे चला जाता है तो हम इन काटर्स को जो है वो उस ग्रूव में जो है वो बिठा लेंगे। जैसे ही ये आपकी काटर जो है वो बीच में फंसे उसके बाद जो है हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लूज़ कर देना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस टाटा 407 के इंजन में भी बड़े आराम से जो है हमने बिना फोर्स लगाए जो है इसको वाल्व के लॉक को जो है वो बिठा लिया है। और उसके बाद हमने चेक करने का वही तरीका है कि वाल्व की टिप के ऊपर जो है वो हल्की हैमर की चोट लगा के जो है उसको चेक करना है। अगर ये नहीं बैठा होगा तो आपकी काटर जो है वो यहाँ से उछल जाएंगी और अगर ये स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से कंप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब आपका लॉक जो है वो अच्छी तरह से बैठ गया है। इसको हम पहले किस तरह के जुगाड़ लगा के जो है हम इनको फिट करते हैं ये भी मैं आपको साथ में यहाँ पर बता दूँ। अभी हम इस वाल्व कंप्रेसर को जो है वो आपको यहाँ पर लगा के दिखाते हैं कि इसको यूज़ करने में भी कितनी दिक्कत आती है। यहाँ पर हमने इसको बिठा दिया है लेकिन आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो काफ़ी इसमें लगानी पड़ती है लेकिन फिर भी सेटिंग जो है वो इसकी नहीं हो पाती है ढंग से। ये देख सकते हैं आप बार बार जो है ये स्लिप हो जाता है और इसका जो हैंडल है ये नीचे वाला इसको जो है दबाने के लिए काफ़ी फोर्स जो है वो लगानी पड़ती है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी फोर्स जो है वो यहाँ पर लगानी पड़ रही है लेकिन फिर भी जो है इस टूल के साथ जो है ये काटर जो है वो नहीं लॉक होती है ढंग से। और दूसरा तरीका जो हम जिसको हम देसी जुगाड़ कह सकते हैं कि कुछ मैकेनिक जो है पुश रॉड लगा के जो है वो उसको बिठाते हैं। कई बार जो है कुछ मैकेनिक जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का वो इस तरह की दो पुश रॉड लेके पुरानी जिस इंजन का आपने काम करना है उस इंजन की पुश रॉड नहीं लेनी है पुरानी पुश रॉड लेके भी जो है इसको जो है वो इस तरह से एक इधर रखते हैं और एक को इधर रखते हैं और बीच में जो है वो काटर लगा के जो है वो फिट करते हैं। तो इमरजेंसी में आप ये तरीका भी अपना सकते हैं जैसे कहीं आप ब्रेक डाउन में गए हुए हैं तो वहाँ पर जो है आपको अगर आपका टूल जो है आप साथ में नहीं ले गए हैं और आपको वाल्व की स्प्रिंग को जो है वो लॉक करना है तो आप इस तरह से जो है वो दबा के जो है उनको लॉक कर सकते हैं। इस तरह से पूरी फोर्स के साथ जो है हमें इसको दबाना होता है। तो इस तरह से आप पुश रॉड से स्प्रिंग को दबाकर भी इस लॉक को बिठा सकते हैं लेकिन इसमें भी फोर्स जो है वो काफ़ी लगती है। तो हमने जो टूल बनाया है उससे बिल्कुल आराम से जो है वो आप इन वाल्व स्प्रिंग को जो है वो लॉक कर सकते हैं वाल्व के हेड के साथ। इस वीडियो में आपने सीखा कि आप अपनी वर्कशॉप में जो वेस्ट पाइप रहती हैं उनसे वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर जो है वो किस तरह का बना सकते हैं।
तो ये जो वाल्व कंप्रेसर है ये आप बना के जो है वो अलग अलग टाइप के इंजन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।